नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। दोस्तों, जन्माष्टमी आ रही है तो जन्माष्टमी पर सभी लोग मेवा पाक की रेसिपी बनाते हैं, तो इसे मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो आइए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाते हैं हम। तो मेवा पाक के लिए देखिए, मैंने सभी एक ही सेम कप से मेजरमेंट लिए हैं। तो ये एक कप भरा हुआ अच्छे से नारियल को कस लिया है मैंने, जो गोला होता है सूखा नारियल। एक कप ये खरबूजे के बीज जिसे मगज भी कहते हैं वो लिया है। एक कप मखाने लिए हैं और आधा आधा कप मैंने काट करके काजू और बादाम लिए हैं। तो ये सेम कप से लेना है सब। और फिर सेम कप से मैंने यहाँ दो कप चीनी ली है। तो ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंज भी कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं इसे हम। तो एक कढ़ाई में सबसे पहले हम थोड़ा घी गर्म करेंगे। यहाँ घी आप थोड़ा ही डालें, बहुत ज़्यादा घी की हमें ज़रूरत नहीं है। और गर्म होने पर घी में हम सबसे पहले मखानों को रोस्ट कर लेंगे। तो मखाने देखिए थोड़ा ब्राउन हो जाएंगे और रोस्ट हो जाएंगे, तो इन्हें निकाल के हम थोड़ा सा फोड़ लेंगे। चाहे आप मिक्सी में पीस लें या थोड़ा सा वैसे ही फोड़ लें। तो अब देखिए, बचे हुए घी में ही हम बादाम डाल देंगे। ये कटी हुई हैं, जल्दी रोस्ट हो जाएंगी। और एक मिनट बादाम भूनने के बाद उसी के साथ हम काजू भी डाल देंगे। काजू थोड़ा कम टाइम लेते हैं बादाम से। तो देखिए, सेम पैन में ही हमारे अच्छे से काजू और बादाम एक साथ रोस्ट हो जाएंगे। तो ये 2 से 3 मिनट लेंगे केवल रोस्ट होने में। आपको एक खुशबू आने लगेगी रोस्ट हुए काजू बादाम की। तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे। अब बचे हुए तेल में ही हम खरबूजे के बीज डाल देंगे और इन्हें 2 से 3 मिनट रोस्ट करने के बाद नारियल भी इसी के साथ हम डाल देंगे। और अब दोनों को अच्छे से मिलाते हुए हम कम से कम 4 से 5 मिनट इसके रोस्ट होने तक इसे अच्छे से कुक करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से कुक हो गया 5 मिनट में। और ये मखानों को हमने अमाम दस्ते के हेल्प से कूट लिया है इस तरह से थोड़ा थोड़ा। और अब ये सारे ड्राई फ्रूट हम इसमें निकाल लेंगे। अब कढ़ाई को फिर से थोड़ा साफ़ करके हम इसमें चीनी डाल देंगे। और 2 कप चीनी ली है तो 1 कप पानी डालेंगे यहाँ हम। और अब इसकी हम चाशनी बनाएंगे। तो देखिए अच्छे से उबलने लग गई है। और इसका हम एक तार होने तक इसको वेट करेंगे और बीच में चेक करते रहेंगे एक तार बना या नहीं बना। तो अगर चमचे से एक तार की तरह ये गिरता है तो इसका मतलब एक तार की चाशनी रेडी है। आप हाथ से भी देख सकते हैं या कटोरी में भी टेस्ट कर सकते हैं। और इसमें हम इलायची डाल देंगे और मैंने बहुत थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली है ताकि बहुत मीठा ना लगे। तो अब चाशनी देखिए गाढ़ी हो गई है। और सारे ड्राई फ्रूट हम इसमें डाल देंगे जितने भी हमने रोस्ट किए थे घी में। अब इस समय गैस को हमें मीडियम रखना है और इसे गैस में ऑन रहते हुए ही कुक करना है। तो देखिए थोड़ी देर में कोने से चाशनी छूटने लगेगी जैसे वो गाढ़ी हो रही है। तो ये जमने की कंसिस्टेंसी में इसका मतलब है कि आ गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। और एक थाली पर मैंने पहले ही से ही घी को ग्रीस कर लिया है और इसे ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, तुरंत ही जमा देंगे क्योंकि थोड़ा ठंडा होते ही ये जमने लगेगा। तो इस तरह आप एक चमचे की हेल्प से इसे जमा दें जितना मोटा या पतला आपको ये चाहिए। तो ध्यान रखें चाशनी अलग ना हो, ऐसे एक साथ ही ये सब हो। तो देखिए अभी जमने लग गई है ये सेट करते करते ही। तो इसे आप सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए खुली हवा में छोड़ें, ज़्यादा आप ठंडा ना करें, फ्रिज में ना रखें। थोड़ी गर्म रहते ही इसमें आप कट के निशान लगा लें। तो यही इसकी बेस्ट ट्रिक है कि आप इसको थोड़ा गर्म रहते ही काट लेंगे तो अच्छे से पीस कटेंगे, नहीं तो ये चीनी टूटती है, अच्छे से पीस कट नहीं पाते हैं। और कई बार थाली में नीचे भी चिपक जाती है, चीनी जम जाती है। तो आप 15-20 मिनट में इसे कट कर सकते हैं। तो ये देखिए सिर्फ 15 मिनट में इतने अच्छे से ये बर्फ़ी जमकर रेडी हो गई है। मैं और आपको काट के दिखाती हूँ। ये बहुत ईजीली कट रही है, थोड़े साइड में पीस रह जाएंगे पर बहुत अच्छे से ये कट रही है क्योंकि सिर्फ 15 मिनट में हमने इसे काट लिया है। तो ये देखिए इतना टेस्टी मेवा पाक बन के तैयार है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।